The dark side of Bollywood is revealed again. The case of casting couch is revealed again. और इस बार सेक्सुअल फेवर्स मांगने का एलिगेशन बॉलीवुड के जिन सेलिब्रिटीज पर लगा है उनकी तस्वीरें जरा आप एक बार देख लीजिए. अली ईरानी, सुभाष घई, अनीस बाजमी, अनूप जलोटा. इल्जाम जिसने लगाया है आप उन्हें भी जरा एक नजर देख लीजिए. ये है रीना गोलन जो न्यूयॉर्क बेस्ड हैं. ये बॉलीवुड और शाहरुख खान को काफी पसंद करती हैं और इसीलिए कुछ वक्त पहले ये इंडिया आई थी. लेकिन अब रीना ने एक बुक लिखी है डियर मिस्टर बॉलीवुड और इसी बुक में किए हैं कई हैरान कर देने वाले खुलासे. रीना ने लिखा है कि डॉक्टर अली ईरानी ने उन्हें सेक्सुअल फेवर के लिए कहा था. इतना ही नहीं, रीना ने तो ये भी कहा कि सुभाष घई उन्हें अपने बेडरूम तक लेकर गए थे. और तो और अपनी बुक में रीना ने अनीस बाजमी के लिए भी लिखा है. रीना ने लिखा है कि अनीस बाजमी ने बातों ही बातों में उन्हें कहा था टू हैव फन. और तो और अनूप जलोटा ने भी इनडायरेक्टली उनसे सेक्सुअल फेवर मांगा था. वेल, कास्टिंग काउच के इन सभी एलिगेशंस पर जब जूम ने इन फिल्म मेकर्स और सेलिब्रिटीज से बात की तो उनका कुछ ये कहना था. मुझे लगता है कि ये खुद को फेमस करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं. और आजकल आपको पता है कि बिग बॉस में इस तरह के कैंडिडेट चाहिए होते हैं, तो शी इज परफेक्ट कैंडिडेट फॉर बिग बॉस नेक्स्ट टाइम अगर वो इस तरह से लोगों के नाम उछाल के नाम कर रही है. I come across a lot of strugglers every day, but when someone gets rejected, they are bound to be bitter and they are bound to spread false stories. Filmmakers are used to it. इसके अलावा बाकियों ने भी इसे सिर्फ बकवास ही बताया और कहा कि रीना गोलन की बातों में कुछ सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा कह रही हैं। वेल, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का मामला सामने आया हो. इससे पहले फिल्म मेकर मधुर भंडारकर पर प्रीति जैन ने काफी वक्त तक रेप करने के एलिगेशन लगाए थे. पायल रोहांकी ने दिवाकर बैनर्जी पर ईव टीजिंग के एलिगेशन लगाए थे. अमन वर्मा का केस भी काफी चर्चा में आया था और बॉलीवुड में बार बार कास्टिंग काउच को लेकर बड़ी डिबेट हुई है. कास्टिंग काउच है, लेकिन अगर आपको उस पे लेटना है तो आप लेटिए, नहीं लेटना मत लेटिए. नोबडी इन दिस इंडस्ट्री कैन फोर्सफुली रेप यू. कास्टिंग काउच इज प्रेवलेंट, इज एग्जिस्टिंग ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली इन एवरी इंडस्ट्री. और अब रीना गोलन ने भी बड़े फिल्म मेकर्स पर एलिगेशन लगाए हैं. अब इससे एक बड़ा सवाल फिर सबके सामने आ गया है, क्या कास्टिंग काउच वाकई बॉलीवुड में है या फिर इसे सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यूज किया जा रहा है.